मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग एंड मैं अभी मेरी बुआ के घर हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस वीकेंड मैं इनके यहाँ रहूँगी। संडे नाइट को मैं चली जाऊँगी वापस पीजी। तो आज है सैटरडे एंड मुझे मंदिर जाना है एंड आई गॉट रेडी एंड मैं ऑफकोर्स एज यूजल मैं लेट ही हो गई हूँ। एंड आप मुझे बताओ कि मेरा जो आउटफिट है कैसा लगा, आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड मेरी बैकग्राउंड में जो है ना, ये टेम्पल है जहाँ पे बहुत भगवान है, मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल्स में। एंड मेरे सामने जो बालकनी है ना, इसमें डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट फ्रूट्स, लाइक आपको कैप्सिकम, ग्रीन चिली, मटर, देन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का फ्लावर्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उनसे सीखने के लिए, क्योंकि होता है ना कभी कभी लोग इंस्पिरेशन होता है, खाने के लिए बोलो कि ये सब केयर के लिए बोलो, हर कुछ चीज़ें। एज शी इज़ हाउस वाइफ, नॉट अबाउट दैट, अब हाउस वाइफ छोड़ के बहुत लोग सीख सकते हैं, लेकिन बहुत ही होता है ना कि नॉलेजेबल इंसान है, कि बहुत कुछ सीखने को है इनसे एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हर ऑनली ऑफकोर्स। सो आप ब्लॉग पे बने रहो एंड एन्जॉय दिस ब्लॉग। एंड इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग दैन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आप मेरे साथ रहो। मैं जा रही हूँ, अभी निकलूँगी शायद, अभी मुझे ऑटो बुक करना है या मेरे भाई छोड़ के आएंगे मुझे। सो आई हैव टू गो नाउ, स्टे ट्यून। तो ये है इनका प्लान्स। किसी किसी प्लांट्स का ना नाम भी मुझे याद नहीं है या मुझे पता भी नहीं है। जैसे कैप्सिकम कितना सुंदर है ना, वो ये सब करते हैं एट लास्ट पूजा में देते हैं, उनको खरीदना भी नहीं पड़ता है फ्लावर्स फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे अच्छे से विजिबल होता है ना। मैं कुछ टाइम वो ना बहुत कुछ अलग अलग मेडिसिन ये सब भी डालते हैं एंड इट्स सो क्लीन, आप देख ही पा रही हो। कोई भी प्लांट्स रिलेटेड टिप्स अगर मैं मेरी बुआ अगर देंगे ना, तो आई विल ट्राई टू शेयर विद यू पीपल। भगवान टेम्पल छोटू सा गोपू, राम ठाकुर, ठाकुर मीन्स इन बंगाली भगवान को हम लोग ठाकुर बोलते हैं, राम ठाकुर, देन शिव, देन गोपाल, लक्ष्मी, लक्ष्मी, एकदम घर वाला फील होता है। इन्होंने पूजा भी कंप्लीट कर लिया एंड ये देखो, ये पता नहीं एक आम गार्डन है साथ में बगल में, वहां से वो लोग बहुत सारा आम लेके आए पूजा के लिए भी और ऐसे खाने के लिए भी। ये है उनका रूम, यहाँ से पूरा बालकनी दिखता है एंड ये ही बेड में मैं भी सोती हूँ, ये मेरा फिक्स हो गया, जब भी मैं आती हूँ मैं यही सोती हूँ। तो चलो मैं टेम्पल से आके मिलती हूँ आपसे। Thank you.
जाना है। ये है टेम्पल। तो ये है मंदिर। आपको कैसा लगा आप बताओ कमेंट करके। अभी मैं जा रही हूँ और ये है मेरा भाई। मिला देखो नाश्ते में नमकीन और चाय एंड व्यू देखो। मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी बालकनी में, लेकिन अभी तो यही है बाहर से। ये कितना अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपना घर। एंड ये जो पता है वो सब जो पेंटिंग है ना, ये मेरे भाई ने किया है अपने हाथों से। मतलब ये उसका पेंटिंग है। तो सारे के सारे प्लांट्स ना आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है। इवन ये वाला जो पेंटिंग है ये भी मेरे भाई का है। एंड यहाँ मुझे मिला है चाय एंड नमकीन। ये नमकीन मेरी फुआ ने कल ही लाई थी। मैंने बोला था ना कि वो दिल्ली गए थे कुछ काम के लिए, तो वो मेरे लिए नहीं सबके लिए लाए हैं ये नमकीन। वहाँ का स्पेशल है कुछ। तो आप बताओ ये व्यू आपको कैसा लगा। फोकस होने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा। मैं अभी मंदिर से आई हूँ एंड आने के बाद ही वो बोला कि कुछ खा पी लो क्योंकि लंच होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सुबह ये लोग गए थे ना आम लेने, तो वहाँ टाइम लग गया था। आप बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा। डुबा डुबा के पी रही कल वाला जो रेसिपी मैं डालूंगी जो कोकोनट मिल्क पुलाव का है, आप बताना कोई हेल्प कुछ हेल्पफुल हुआ है कि नहीं, आपको कैसा लगा अगर बनाओ है तो। आप कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगी बोलने के लिए आंसर करने के लिए। मैं आज लेट उठी थी एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि टेंपल खुला रहेगा। वो टेंपल बहुत टाइम तक रहते हैं खुला। वीकेंड है ना तो सब लोग बहुत लोग लेट भी जाते हैं। अभी मेरी बुआ बना रही है आज का डिश जो है टेंगरा माछ। अब जो बंगाली हो उसको पता होगा टेंगरा माछ। हिंदी वाले को भी सबको पता है टेंगरा क्या होता है, वो भी मछली होता है। टेंगरा माछ मेरे लिए, इन लोगों के लिए सिंग माछ। माछ मीन्स मछली। फिर राइस दाल एंड आलू फ्राई मेरे लिए वही जो खाना है ना, सुकून है सुकून। चिकन चिकन तो अच्छा लगता है ऑफकोर्स चिकन, लेकिन बहुत कुछ खाना है जो हमेशा रोज का चलते रहता है। पीजी का खाना, हम ये घर का खाना मिलके ना, वो दाल चावल और जो आलू फ्राई या कोई भी फ्राई दे दो वही सुकून है। वही सुकून का मतलब खाना है। कभी कभी ओकेशनली आप खाओ चिकन विकन फिश तो चलता रहता है। अब ऑफकोर्स हम लोग कुछ ज़्यादा ही फिश खाते हैं। अब बंगाली लोग बोलते हैं ना बंगाली माने माछे भाते बंगाली। अभी कितने सारी बातें कर रहे थे, वो भी खाना बना रही है। टेम्पल में मेरे भाई लेके गए थे, अगर वो नहीं लेके गए तो हमको ऑटो लेना पड़ता, लंबा प्रोसेस, फिर टाइम लग जाते और कहीं टेम्पल बंद ना हो जाए। लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना वो ही मुझे लेके जाता है टेम्पल में। आपको बताओ
आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, ये वीकेंड वाला? ऐसा लग रहा है कि मैं छुट्टी बना रही हूँ अपना। सपोर्ट करो, पता नहीं यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, करोगे कि नहीं आगे। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेहनत इन द सेंस मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली ब्लॉगिंग बनाना। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई बोल रहा है कि करो तो कर रहा है, ऐसा नहीं, मैं दिल से कर रही हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग एटलीस्ट प्यार दो, सपोर्ट करो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो, लंच के बाद मिलते हैं या लंच से पहले मिलते हैं? एंड मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ, मैं ट्राई करूँगी अभी जाने के लिए नीचे सोसाइटी दिखाने। चलो मिलते हैं। आज का जो लंच है, क्या क्या बनाएंगे, एक इसको बोलते हैं सिंग मच। एक्चुअली ये मुझे उतना नहीं पसंद है, ये लोग खाने वाले ये। एंड ये कवर करके रख दिया आलू बॉयल के लिए, इसमें आलू फ्राई बनेगा। एक्चुअली ये लोहे वाले का जो कढ़ाई में ना आलू फ्राई बहुत टेस्टी होता है। एंड अभी उसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, ये है आम पापड़, होममेड आम पापड़ है। पिज़्ज़ा मेकर लग जाए, इतना की काट भी ना काट दो और क्या। तो ये है आम पापड़ होममेड वाला, खाने में बहुत टेस्टी। देखो मैंने आपको बोला था ये सिंग माछ है, बट सिंग माछ बंगाली में बोलते हैं और हिंदी में सिंगी बोलते हैं, सिंगी माछ। ये देखो क्या बन रहा ये अभी इनको भी नहीं पता था, ये भी कंफ्यूज थी, तो ये पूछने गए पूरा कि इसको क्या हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ मेरे पुआ कुछ काम कर रहा है एंड बारिश जैसा मौसम हो गया, पक्का बारिश होगा। अभी आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, अभी बहुत बारिश होगा, लगते रहे बहुत बारिश होगा, लेकिन कभी कभी होते भी है, नहीं भी होता है। आजकल रोज ही हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बाकी स्टेट में नवंबर टू दिसंबर वाला जो फीलिंग नहीं होता है, अभी बेंगलोर का फीलिंग ऐसा है, मतलब इतना ठंडा लगता है। और यहाँ ये सुंदर सुंदर फूल, ये है लंच, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये है राइस के बाद ये है सिंगी मछली, देन ये मेरे लिए है टेंगरा माछ,
या मछली जो भी बोलो। तो ये कल का मछली जो था मैंने आपको कल वाला वीडियो में दिखाई थी ना, एंड ये है दाल, एंड ये ना ये एक पेस्ट है, अच्छा है खाने में, लाइक एक पेस्ट नहीं होता है कभी कभी ड्राई वाला जो पेस्ट होता है बहुत लोग उसे खाते हैं। तो ये है आज का लंच, तो चलो लंच के बाद मिलते हैं। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, अभी पूरा साफ हो गया है, कितना ज्यादा बारिश हुआ था ना, बहुत ही ज्यादा बारिश हुआ था। मैं नीचे जब जाऊंगी तब पूरा सोसाइटी दिखाऊंगी, अभी तो दोपहर है, शाम को जाऊंगी। चलो खाना खाने के बाद मिलता है। हाँ मुझे क्या मिला, गुलाब जामुन लाल मोहन, शाम का आज खाना। आजकल ना सनसेट उतना अच्छे से नहीं मिलता है क्योंकि बारिश हो जाता है ना, क्लाउडी क्लाउडी बस। पहले इतना यहाँ पे ना पहले कितना अच्छा व्यू था मतलब सनसेट का, आजकल नहीं होता। एंड मैं अभी ये खाऊंगी गरम मा गरम गुलाब जामुन और लाल मोहन, जो भी बोलो आप अपने लैंग्वेज में। अभी मुझे मिला शाम का गर्मा गर्म चाय, एंड ये हुआ शाम का पूजा। एंड हियर आई गॉट रेडी, क्योंकि हम सब लोग मिलके कहीं जा रहे हैं, एंड पीछे जो है ये मेरे भाई हैं। एंड यहाँ सब लोग रेडी भी हो गए जाने के लिए। एंड ये है
मेरे को आप पता नहीं क्या लेना है। ये है मी हेलो एवरीवन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं ये नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।